हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राशि की रसोई। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं दाल तड़का, वेरी टेस्टी। सो स्टार्ट। एक पैन में 2 टीस्पून तेल ले लेंगे, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। और उसमें हम लोग 1 टीस्पून जितना जीरा ऐड कर देंगे और 1 चुटकी हींग। इसे हम लोग अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और दाल तड़का में लगने वाले ये इंग्रेडिएंट्स, 1 टमाटर, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 2 मिर्ची स्लाइस की हुई, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा बारीक कटा धनिया। हमारा जीरा हो गया है तो अब हम इसमें एक अपना प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हमें ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है। प्याज के फ्राई होते ही फिर इसमें हम अपना अदरक लहसुन ऐड कर देंगे। इन दोनों को भी हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। देखिए हमारा अदरक लहसुन भी लगभग हो गया है फ्राई। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका मसाला पैन में चिपक रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। अब हम यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को अच्छी तरह से पकाएंगे। टमाटर जल्दी गल जाए इसके लिए हम यहाँ पे इसमें नमक ऐड कर देंगे। ध्यान रखिए नमक हमने दाल में भी ऐड किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही नमक डालें। इसे हम कवर करके 2-3 मिनट अच्छी तरह से पकने देंगे। देखिए 2-3 मिनट बाद टमाटर हमारा अच्छी तरह से मैशी हो गया है, अच्छी तरह से पक गया है। यहाँ पर हम अपना पालक ऐड कर देंगे। ये पालक है, 1 बंच पालक है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। अब इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। देखिए 2 से 3 मिनट में हमारा पालक एकदम अच्छी तरह से पक गया है। देखिए हमारा मसाला एकदम रेडी है। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। ये मैंने मसूर और अरहर की दाल ली है। इसे कुकर में डालकर दो तीन सीटी लगा लिया है। इसमें मैंने हल्दी और नमक ऐड किया था। दाल ऐड कर लिया, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये स्लाइस स्लिट की हुई मिर्ची और थोड़ा सा किचन किंग मसाला। अगर आपके पास मीट मसाला है तो उसे ऐड करिए, बहुत ही टेस्टी टेस्ट आता है। अब सबसे लास्ट में फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर, इसे सबसे लास्ट में डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए हमारा दाल तड़का रेडी है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़के में मैंने 1 चम्मच घी लिया है, उसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा काला सरसों लिया है और ब्लैक ये मिर्ची लिया है। लास्ट में हम गैस बंद करके 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इससे जो दाल का कलर है वो बहुत ही सुंदर लगता है। ध्यान रखें आप जो कश्मीरी मिर्च गैस ऑफ करके ही डालें वरना वो जल जाएगी। और बस इसे दाल में ऐड कर दीजिए और ऊपर से थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर दीजिए। नीचे रेडी है टेस्टी दाल तड़का। इसे आप फ्राइड राइस या किसी के साथ भी इंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।